मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे कागज नहीं दिखाएंगे एनपीआर के बारे में, और हमारा साथ देंगे ताहिर भाई। ताहिर साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि एक मुहिम चल रहा है कि कागज नहीं दिखाएंगे, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो बनाने गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, उसका एक नोटिफिकेशन भी आ गया, 1 अप्रैल से शुरू होने का हुआ है 30 सितंबर तक के लिए। तो ये जो मुहिम जो चल रही है पूरे हिंदुस्तान में हर तबके के बीच में, कागज़ नहीं दिखाएंगे, इसका मतलब एक्चुअली ये सैम्बोलिक वर्ड है कागज़ नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम एनपीआर में हिस्सा नहीं लेंगे बिल्कुल भी, अपना नाम तक भी नहीं बताएंगे और इसे पूरी तरीके से बायकॉट करेंगे। इसका क्यों, इसकी वजह क्या है कि एनपीआर क्या है, एक एनआरसी बनाने का प्रीकर्सर है। अगर हम लोगों ने एनपीआर में साथ दे दिया तो आपने सुना है गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम एनआरसी नहीं लाएंगे। बल्कि हमारे होम मिनिस्टर ने क्रोनोलॉजी हमको समझाई थी, सीएए आएगा, एनपीआर आएगा, फिर एनआरसी आएगा। तो मैं सभी सुनने वालों को एक बात बता दूं, इनको एनआरसी लाने के लिए, एनआरसी एनपीआर से एनआरसी बनाने के लिए इनको कोई ना ही कोई लॉ पास करने की ज़रूरत है, ना ही कोई नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत है, ना ही कोई सर्कुलर आने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने एनपीआर में अगर हिस्सा ले लिया और अगर इन लोगों को एनआरसी बनाने का मौका मिले, तब मिलेगा जब एनपीआर जब बनेगा। तो जब वो एनआरसी बनाएंगे तो उसके अंदर प्रोविजन क्या है, जब लोकल जो लोकल रजिस्टर ऑफिसर जब भी एनपीआर से एनआरसी बनाएगा तो जिसके ऊपर भी शक होगा उसको डाउटफुल सिटीजन बना देगा। और जैसे ही किसी शख्स को डाउटफुल सिटीजन डिक्लेयर हो गया, उसके बावजूद भी उसका नाम रजिस्टर में हो जाएगा, मगर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं डाउटफुल सिटीजन नहीं हूँ, मैं बोनाफाइड सिटीजन हूँ बोल के। तो जब तक इंसान वो डाउटफुल सिटीजन की कैटेगरी में रहेगा या ब्रैकेट में रहेगा, तब तक वो चार चीज़ें नहीं कर सकता। कौन सी चीज़ नहीं कर सकता? पहले तो गवर्नमेंट जॉब नहीं हासिल कर सकता, दूसरी चीज़ वो वोट नहीं दे सकता, तीसरी चीज़ अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, चौथी चीज़ और कोई फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता। ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब ये एनपीआर का डेटा ये लोग कलेक्ट करेंगे, कंपाइल कर लेंगे और उसके बाद ये लोग उसके बेसिस के ऊपर एनपीआर बनाएंगे। तो ये जो मुहिम चलाने वालों का एक क्लियर एक मैसेज है, हमें एनपीआर किसी हालत में बनने नहीं देना है, इसे पूरे तरीके से बायकॉट करना है। और उसका सैम्बोलिक नाम रखा है उन्होंने, कागज नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसका एक्चुअली अब सही नाम क्या था, नाम नहीं बताएंगे वो। ये है, ठीक है। तो ये बताइए, एक तो आप ये बोल रहे हैं कागज नहीं दिखाएंगे, नाम नहीं बताएंगे, दूसरी तरफ कुछ लोग भाग दौड़ करके पेपर बना रहे हैं और पेपर बनवा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट बनाना ये हमारा हक है, डॉक्यूमेंट बनाना है आपको, वोट देना है तो वोटर आईडी होना चाहिए, गाड़ी चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और बाकी सब फैसिलिटीज होना चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, सब ये डॉक्यूमेंट बनाना है। मगर देखिए, जब एक हिंदुस्तान में एक माहौल चल रहा है हमें कागज़ नहीं दिखाएंगे, एनपीआर को हम लोग बायकॉट करेंगे, उस वक्त में अगर हम लोग इज्तमाही तौर पर कलेक्टिव तौर पर एक हेल्प डेस्क डाल के या कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर बना के या लोगों कलेक्टिवली हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, एक गलत मैसेज जाएगा इसमें। हो सकता है उनकी नीयत सही हो सकती है जो ये लोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बोल रहे हैं, मगर इनकी क्या है, ये जो टाइमिंग उनकी रॉन्ग है बिल्कुल। किसी भी हालत में हमें कलेक्टिवली इज्तमाही तरीके से ना ही किसी को तजवीज़ करना है, ना ही किसी को रिकमेंड करना है, ना ही ऐसे लोगों का साथ देना है। डॉक्यूमेंट बनाओ, इंडिविजुअल लेवल पर बनाओ, जो डॉक्यूमेंट में गलती है वो ठीक करो। जैसे ही हम लोग इसे इज्तमाही तौर पर कलेक्टिव तौर पर पब्लिकली हम लोगों को बोलते हैं डॉक्यूमेंट बनाएंगे ये करेंगे, तो लोगों का क्या होता है, जो बायकॉट से जो फोकस है ना निकल के डॉक्यूमेंट बनाने में चल जाता है। और जो हमारी जो मुहिम चल रही है कागज़ नहीं दिखाएंगे, वो मुहिम कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इस मुहिम को अगर नुकसान पहुँचाने वाले लोग ही क्या हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरे जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग जो उनका अलग अलग लॉजिक से लोगों को बता रहे हैं कि भाई असम में डॉक्यूमेंट बनाए थे, ऐसा हुआ था वैसा, देखो असम के हालात और यहाँ के हालात बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि असम में वहाँ पर एप्लीकेशन देनी थी, एप्लीकेशन के आपको साथ डॉक्यूमेंट देने थे, यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर तुमसे आके डेटा पूछ रहे हैं, उसके बाद तुमको टारगेट करेंगे, फिर वो मुश्किल होगी तुम्हें, तुम्हें टारगेट करके उसे क्या नाम है डॉक्यूमेंट दिया सेटिस्फाई करने में आपको सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन क्या है, एनपीआर को बायकॉट करना, डॉक्यूमेंट जो बनाना है वो बनाना है, वो इंडिविजुअल लेवल में बनाना है, जो लोग कर रहे हैं वेबसाइट में चल रहा है, जो लोग भर रहे हैं वो, उसमें कोई हमारी क्या भी इख्तलाफ नहीं है, उसके लिए क्या भी उसमें कंट्रडिक्शन है, डॉक्यूमेंट बनाना है, मगर इज्तमाही तौर पर कलेक्टिव तौर पर किसी भी हालत में डॉक्यूमेंट पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चैनल के हिसाब से कई लोग जो हैं कि इंटेलेक्चुअल लोगों से बात की, वो लोग क्या बोलते हैं, भाई अगर एनपीआर में तुमने हिस्सा नहीं लिया, गवर्नमेंट क्या करेगी, वो तुम्हारे को हटा के एनपीआर बना देगी, एनआरसी बना, तब तुम लोग क्या करोगे? तो मैं सभी उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान के 25-30% लोग भी अगर इसको बायकॉट करेंगे तो किसी गवर्नमेंट के अंदर हिम्मत नहीं है वो 30-40 करोड़ लोगों को एक्सक्लूड करके एनआरसी बनाने का।
अगर आप लोग अगर इनको रिकमेंड करोगे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या इसमें साथ देने के लिए करोगे, तो इस पूरी मुहिम को कमज़ोर करोगे और हर उस कमज़ोर आदमी को फंसाओगे जिसके पास डॉक्यूमेंटों में कमी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर एक आदमी को इससे तकलीफ होगी। तो सभी जो ये डॉक्यूमेंट बनाने के रिकमेंड करते हैं और जो इसके बारे में सोच रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आजीजा ने रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ किसी भी तरीके से इज्तमाही तौर पर, कलेक्टिव तौर पर, पब्लिकली तौर पर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई भी मुहिम नहीं चलाए, कोई भी एफर्ट नहीं करे। इससे सिर्फ दो एक डिवीज़न पैदा होएगा इस मुहिम में और लोगों को इससे नुकसान होगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये आप कहना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट बनाइए लेकिन ज़्यादा शोर शार मार्केटिंग मत कीजिए। हमें कलेक्टिव तरीके से बनाना ही नहीं है। अब मुझे आज ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा बच्चा अगर 18 साल का बड़ा हो गया कल, तो मैं वोटर आईडी बनाऊंगा, किसी ने अपना घर चेंज कर लिया तो वोटर आईडी बनाना है जी हाँ। तो वो अलग चीज़ है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एनपीआर का जो प्रॉब्लम है ये इस बार तक है, मगर वोट तो हमें अगले साल भी देना है, उसके बाद भी देना है, वो हमारे राइट्स हैं, वो हमें नहीं कर सकते। एक और दूसरा कन्फ्यूजन क्या है लोगों को कि ये एनपीआर ये सेंसस एक ही है। तो मैं आपको बता दूं, जो 1 अप्रैल से कवायद शुरू होने वाली है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए है। सेंसस की जो कवायद है जिसका अलग डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो 2021 में होएगा और उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है और 1 मार्च 2021 से शुरू होगा। तो ये बताइए कि ये बहुत अच्छा आपने उठाया टॉपिक कि एनपीआर और सेंसस, ये क्या दोनों अलग चीज़ है? नहीं, देखिए एनपीआर सेंसस में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि एनपीआर में इंडिविजुअल डेटा लेते हैं, सेंसस में इंडिविजुअल डेटा नहीं लेते। यानी कि आप आपका नाम क्या है, बर्थडे क्या, बर्थ डेट का है, आप कहाँ पैदा हुए, क्यों, कैसे रह रहे हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है, वो कहाँ पैदा हुए, ये सब डिटेल माइनोरिटी नहीं लेते, क्योंकि इंडिविजुअल से ये किस में लेते हैं? एनपीआर में लेते हैं। एनपीआर एंड ये सेंसस में क्या रहता है, सेंसस में क्या रहता है, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग स्कूल के गए हुए हैं, तुम्हारे घर में मोटरसाइकिल या कार है, तुम गैस इस्तेमाल करते हो या तुम्हें कितनी तुम्हारी इनकम है, ये डेटा क्या होते हैं, एक सोशल जो स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट को जरूरत होती है सेंसस के लिए। तो ये सेंसस में क्या होते हैं, हमारी सोशल कंडीशन से रिलेटेड डेटा लेते हैं जी हाँ, एजुकेशन कंडीशन से रिलेटेड डेटा लेते हैं, मगर एनपीआर में जो इंडिविजुअल पर्सनल डेटा लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बच्चे कौन है, कहाँ पैदा हुए। तो ये सेंसस शुरू होगा, ये सेंसस 2021 में शुरू होगा, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, तो वो 2021 में होगा, वो तो करना जरूरी है, तो वो करना हमारे हर साल कर रहे हैं हम लोग, उसे क्या भी परेशानी नहीं। मगर एनपीआर में अगर हमने हिस्सा ले लिया तो हम गवर्नमेंट को मौका दे रहे हैं एनआरसी बनाने के लिए। और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो ये लोग सोच रहे हैं कि एनआरसी के लिए कोई नया रूल बनेगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, तो गवर्नमेंट को कुछ भी जरूरत नहीं है, रातों रात वो एनआरसी प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है और आप उसको रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट पास एनआरसी एनपीआर डेटा है। ठीक है, थैंक यू सो मच ताहिर भाई इसके ऊपर रोशनी डालने के। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।